नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वच्छता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए और शहर के सभी वार्डों में अभियान को लेकर सुपरवाइजरों को टीम गठित कर शहर के नाले खालों मलिन बस्तियों के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने की बात कही गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सभी नगर पालिकाओं में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि 30 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। न्यायालय नैनीताल के पत्रांक संख्या 331-34 के अंतर्गत अभी 26/2023 को एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया कि नगर पालिकाएँ, नगर संस्थाएँ, नगर पंचायत द्वारा पुनः अपने क्षेत्र में 22 तारीख से 30 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों पर नदी नालों, छोटे छोटे नालियों और मरीन बस्तियों की विशेष सफाई कराने का कार्य करेंगे। इसमें हमारे द्वारा 24 तारीख से अब लगातार क्षेत्र के विभिन्न विभिन्न वार्डों में हमारे स्थाई, अस्थाई और कीम के कर्मचारी द्वारा छोटी छोटी नालियों और नदियों की सफाई कराई जा रही है।